एयरलाइंस ट्रेन मंसूबा मुकर्रा वक्त में मुकम्मल ना होने पर चीफ जस्टिस बरहम, टाइम फ्रेम चाहिए कब तक, लाहौरियों को इस मुश्किल से आजाद करवाएंगे चीफ जस्टिस, 90% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका, बाकी काम चाइनीज ने करना है, 3 से 4 माह लग सकते हैं। नुमाइंदा हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेक बाउंस होने पर चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी फाइनेंस को पेश होने का हुक्म, नई हुकूमत को साफ बता दें कुछ भी हो जाए मंसूबा मुकम्मल होगा चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस का पीकेएलआई के सरबराह का नाम तजवीज करने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर रजिस्ट्री में पीकेएलआई से मुतालिक केस, पीकेएलआई में फंड्स के लिए सोसाइटी तश्कील देने से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब, शहबाज शरीफ ने किस हैसियत से सोसाइटी कायम की, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चेयरमैन पीएनडी अदीब जलानी अदालत में पेश, चीफ जस्टिस के सरबराह डैप मुजाहिद शेरदिल की तैनाती पर बरहमी का इजहार। आशियाना इकबाल स्कैंडल में फवाद हसन फवाद का अहम इंकशाफ, शहबाज शरीफ ने तारिक बाजवा को आशियाना इकबाल के ठेके से मुतालिक इंक्वायरी की हदायत की, फवाद हसन फवाद का नैब इंक्वायरी में बयान, गवर्नर स्टेट बैंक साबिक एमडी इंजीनियरिंग सर्विसेज करामतुल्ला चौधरी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली में बतौर ओपोजिशन लीडर कागजात जमा, ख्वाजा अहमद हसन, ख्वाजा इमरान नजीर ने कागजात जमा कराए, नून लीग ने भी कभी पार्लियामेंट पर लानत नहीं भेजी, इमरान खान जिसको डाकू कहते थे उसे स्पीकर बना दिया, आसिफ जरदारी की मजबूरियां, नवाज शरीफ की कोई मजबूरी नहीं, ख्वाजा इमरान नजीर। पीटीआई की क्यादत पंजाब के नाम फाइनल ना कर सकी, पंजाब का सीनियर वजीर कौन होगा, फहरिस्तें रोजाना तब्दील होने लगी, इब्तदाई वजीरों की फहरिस्त में अब्दुल अलीम खान, मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल, परसों फहरिस्त फाइनल होने का इम्कान। आबिद बॉक्सर की 4 सितंबर तक तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर, एडिशनल सेशन जज ने 4 सितंबर तक आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार करने से रोक दिया, आबिद बॉक्सर के खिलाफ छोटे मुकदमात दर्ज किए गए, वकील। कुर्बा पर सफाई प्लान फेल, जानवरों की आलाइशें ईद के तीसरे रोज भी सड़कों और चौराहों पर मौजूद, ताफून उठने लगा, शहरियों का गुजरना मुहाल, LWMC का शहर से 36,000 टन आलाइशें उठाने का दावा, शहरी गंदगी से परेशान, चेयरमैन LWMC का सफाई ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान, बारिश के बाइस सफाई ऑपरेशन मुतासर हुआ, डिप्टी कमिश्नर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। शहर में हर तरफ गंदगी ही गंदगी, लोगों ने ओचटियां, बकरों की सिरियां, आंते और कचरा ड्रेन में डाल दिया, गुलबर्ग ड्रेन गंदगी से भर गई, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज सिस्टम बंद। कि माई में नजर रंबो रंबो जान रंबो गंद किलर, तो आपने भी गंद को मारना है, हमने भी मारना है। माई नेम इज रैम्बो रैम्बो, लाहौर को साफ और शफाफ बनाने का आज़्म, जॉन रैम्बो सबसे आगे, जामिया नईमिया में सफाई मुहिम में शिरकत, पानी से सहन को साफ किया, अब तक 36 कुर्बान गाहों की सफाई कर चुके, रैम्बो की गुफ्तगू। ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी, इनफरादी के साथ शहर भर में इज्तमाई कुर्बानियां, मस्तहकीन में गोश्त तकसीम, गोश्त खोरी मैदों पर पारी पड़ गई, लाहौरी ईद पर गोश्त पर टूट पड़े, 3,100 मरीज सरकारी अस्पतालों में जा पहुंचे, मेयो अस्पताल 800, जिन्हा अस्पताल 600, सर्विसेज 550, गंगाराम 450 और जनरल अस्पताल में
650 मरीज दाखिल, मेदे साफ करने के बाद बेशतर अफराद डिस्चार्ज। महकमे ने लाइफ स्टॉक और इंतजामिया की बेहिसी, गर्मी और हब से खाले खराब। मजमुई तौर पर 1,32,00,00,000 रुपए की खाले जमा, 45% खाले खराब। चमड़ा मंडी में ईद के तीसरे रोज खालों की फरोख्त न होने के बराबर। बैल और बछड़े की खाल 1,500 से 1,700 और बकरे की खाल 200 रुपए में फरोख्त। खत्म होने को आई, चोरों डाकुओं की ईदी मुहिम खत्म न हुई। इचरा की फैमिली को ईद मनाने गुजरावाला जाना महंगा पड़ गया। अशरफिया पार्क में चोरी की बड़ी वारदात, चोर 100 तोले सोना और 1.5 लाख नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज ना किया, पुलिस ताबू नहीं कर रही, मुतासरीन का इल्जाम। और छुट्टियाँ खत्म मगर तलबा की ईद बाकी, स्कूल और कॉलेज खुल गए, तलबा की हाजिरी सिर्फ 30%, उसातिज़ा की हाजिरी भी कम। UET भी खुल गई, पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी छुट्टियों के सिलसिले में ताहाल बंद। सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 25% हाजिरी कम।